गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी हैव सीन माय प्रीवियस लेक्चर अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रिक्शन. देखो, जैसे ये डस्टर है, इस पर रखा हुआ है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है. तो निश्चित रूप से इस फोर्स को कोई अपोज कर रहा है. जब इस पर हम और अधिक फोर्स लगा रहे हैं, ये मूव कर रहा है, लेकिन जो ही हम फोर्स लगाना बंद कर देंगे, ये कुछ दूसरे तरफ से फिर रुक जाता है. तो ये जो फोर्स है, जो तल के बीच, यही अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है. तो फ्रिक्शन is contact force. Between contact surfaces, अपोजिस ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसलिए कोई यहाँ है, कोई वस्तु लगी हुई है, इट इज अ बॉडी इज प्लेस्ड एट दिस सरफेस, इट्स वेट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एम जी. रिएक्शन विल वर्क नॉर्मली एट दिस सरफेस. आर इज बैलेंस्ड बाय एम जी. Now we are going to apply a force in forward direction. इस पर हम ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वस्तु चल नहीं रही है, इसकी स्पीड जीरो है, लेकिन इस समय इसमें जो फोर्स इधर को हम लगा रहे हैं, इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है. दिस इज फ्रिक्शन फोर्स. अब देखो, ये वस्तु चल नहीं रही है, लेकिन जब चलने ही वाली हो, वस्तु चल नहीं रही हो लेकिन चलने ही वाली हो, देखिए दोनों में अंतर है. इस फोर्स को हम बढ़ाते जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बॉडी इज नॉट इन मोशन बट इट अबाउट टू बिगिन इस मोशन. ये वस्तु मोशन में नहीं है, लेकिन मोशन में आने ही वाली है. इन दैट कंडीशन द फोर्स इज कॉल्ड ड्यू टू फ्रिक्शन. ड्यू टू फ्रिक्शन of friction. This angle is called angle of friction. Here theta is called angle of friction. In case of limiting friction, this is angle of friction. Now, in case of limiting friction, resultant of reaction, normal reaction and friction force makes angle with normal reaction, that angle is angle of friction. Angle of friction is angle between normal reaction
and resultant of normal reaction and force of friction. Here are this force of friction. Fs by R, Fs by R, R equal mg, R equal mg, and Fs equal S here, Fs equal mu R, ये होता है. Mu is coefficient of friction, mu is called coefficient of friction. And mu equal Fs by R. Mu Fs by R means tan theta, means tan theta, tan theta equal Fs by R. Means mu equal tan theta. This is case of limiting friction. Limiting friction ये सबसे ज्यादा होगा, it is static friction, जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो जो फोर्स का अपोज करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है. फोर्स को हम बढ़ाते हैं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वस्तु चलनी ही वाली होगी लेकिन चलेगी नहीं, उस केस में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. यहां आप देखो एफ एस बाई आर में हम करते हैं तो हमको टेन थीटा मिलता है और एफ एस इक्वल म्यू आर होता है, वेयर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको बोलते हैं. तो यहां से म्यू इक्वल एफ एस बाई आर दैट इज टेन थीटा मीन्स म्यू इक्वल टेन थीटा. ये विभिन्न कंडीशन में फ्रिक्शन को कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उस दिन आपको मैं बताया था कि ये मैकेनिक्स है और ये जान है आपको कंडीशन की. तो थोड़ा सा देखा जाए इससे पहले के. हाँ, एक चीज और, जब वस्तु चलने लगती है देखो तो सबसे ज्यादा तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है और जब वस्तु चलने लगती है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाता है. अगर हम फ्रिक्शन फोर्स, यहां अगर हम फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच कर्व खींचे ये फ्रिक्शन है ये टर्म कुछ इस तरह का मिलता है. ये देखो 45 डिग्री का एंगल यहां से फॉर्म करता है, मतलब फोर्स जो है फ्रिक्शन के बराबर है. एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो फ्रिक्शन है वो एक घट जाता है और फिर इसके बाद ये निगत हो जाता है, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन. यहां से ओ से ए तक का भाग जो है ये शो करता है आपका कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो फ्रिक्शन के बराबर है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है. और ये क्या है, यहां पे जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन.
इसके बाद आप तो देखते हैं इसका मान एक घट जाता है, फिर बढ़ता है और एक स्थिर हो जाता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इस तरह का कर्व आपको मिलता है अगर फ्रिक्शन और फोर्स के बीच कर्व ड्रॉ करते हो। अब आइए हम थोड़ा सा देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन, अगर वस्तु हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, आई एम गोइंग टू अप्लाई फोर्स एंड बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए, एंड इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स आर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। तो हियर एफ माइनस एफ एस ये आपका देगा एक्सेलरेशन इन ए, फर्स्ट इक्वेशन हुआ, और दूसरा आर इक्वल एम वी, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग जो है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एफ एस इक्वल न्यू आर हम लोग लिखते हैं, ये न्यू एम वी मिल जाता है, ये दो और ये तीन। कोई भी प्रॉब्लम हो इन तीनों इक्वेशन का यूज करके इस कंडीशन में हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमको निकाल रहा हूं। दूसरी कंडीशन, अगर मान लो ये किसी इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है, ये बॉडी है किसी इंक्लाइन प्लेन में रखी हुई है और ये स्लिप कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका वेट एंटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये एंगल अगर अल्फा है, देखो आर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, यानी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये आर हो गया। इस डायरेक्शन में बॉडी आ रही है तो इस डायरेक्शन में एम जी साइन अल्फा होगा और इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन लगेगा। यहां हम कहते हैं तो आर इक्वल एम जी कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा, क्योंकि बॉडी के मोशन की डायरेक्शन दिया है, इसलिए एम जी साइन अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एस, तो एम जी साइन अल्फा माइनस एफ एस इक्वल एम ए। तो सेकेंड कंडीशन में आप देखो, सेकेंड कंडीशन में आर इक्वल एम जी कॉस अल्फा और एम जी साइन अल्फा माइनस एफ एस, वही एफ एस को हमेशा आप कहते हैं अगर दो बार के बराबर रिएक्शन की वैल्यू यहां रखकर के आप निकालो। अगर मान लो इसको हम किसी फोर्स से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तीसरी कंडीशन दिस बॉडी इज पुल्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एफ, ऐसे खींचें इस वस्तु को रस्सी बांध करके ऐसे खींचते हैं, तो अगर ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है यहां से, तो देखो एफ कॉस बीटा इस डायरेक्शन में होगा, एफ साइन बीटा इस डायरेक्शन में होगा, एम जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एम कॉस अल्फा अगर यहां है एम जी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में होगा और इसी डायरेक्शन में आपका आर होगा। वस्तु अपवर्ड डायरेक्शन में खींची जा रही है, एम जी साइन अल्फा काम करेगा और इसी डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन होता है। देखो फोर्स भी लगाया जा रहा है मेकिंग एन एंगल बीटा, तो इस डायरेक्शन में यस कॉस बीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में यस साइन बीटा वर्टिकल कंपोनेंट, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, इसका कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में होगा,
जिस डायरेक्शन में भी जिसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन हो, यंग भी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में काम करेगा क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है, इसलिए एफ एस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो आप देखें यहां मिलता है एम आर प्लस एफ साइन थीटा इक्वल एम जी कॉस अल्फा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन और एफ कॉस थीटा माइनस एम साइन अल्फा माइनस एफ एस इक्वल एम ए, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। एफ एस क्या है? एफ एस की वैल्यू एफ एस इक्वल म्यू आर दैट इज म्यू या साइन थीटा माइनस म्यू आर, म्यू आर की वैल्यू एम जी कॉस अल्फा माइनस एफ साइन थीटा। ये वैल्यू आपकी एफ एस मिल रही है, ये एफ एस की वैल्यू यहां रख करके हम लोग एक्सेलरेशन ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन हम लोग क्या लिया। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है, यूजिंग ऑल दिस थ्री इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर रिएक्शन आर मिनिमम फोर्स अप्लाइड एट द बॉडी। क्योंकि ये फोर्स मिनिमम कब होगा, अगर हम लोग देखें एफ को निकालना हो अगर हमको, तो एफ अगर निकालते हैं एफ इधर अगर हम स्टैटिक के लिए करते हैं तो इक्वल जीरो हो जाएगा उस कंडीशन में, और मिनिमम फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफ को इधर ले आकर के काम में लिया जाए और एफ ऊपर निकाल दिया जाए। तो वो चीज आप थ्री इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो इन्हीं तीन इक्वेशन के द्वारा, यू विल कैलकुलेट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करोगे। हमने कहा कि ये मैकेनिक्स है, एलिमेंट्स के बच्चों को कठिन लग गई होगी क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं, हमने आपको कहा कि आई एम ओनली टीचिंग फॉर क्लास इलेवेंथ, नॉट ओनली फॉर क्लास इलेवेंथ बट नीट एग्जामिनेशन मेडिकल स्टूडेंट्स एंड एक्सेट्रा फॉर टू डे। थैंक यू, हैव ए